Teacher, your mentor. In today's lecture, we will discuss about the subphylum Cephalochordata. तो student, we know that कि phylum Chordata को हमने तीन subphylum में divide किया है. कौन-कौन से तीन subphylum है? पहला subphylum है Urochordata, दूसरा subphylum है Cephalochordata और तीसरा subphylum है students Vertebrata. ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे Cephalochordata के बारे में. स्टूडेंट्स, इस फाइलम के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब कि केवल सी में देखने को मिलते हैं, सी के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं. और सी में भी बेसिकली वो शेलो सी वाटर में देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसा एरिया जहां पर समुद्र की जो गहराई है, डेप्थ है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे एरिया में देखने को मिलते हैं. अब इस फाइल सब फाइलम के जितने ही मेंबर हैं वो सभी जो है सैंड के अंदर बिल बनाकर उसमें रहते हैं और नाइट में एक्टिव होते हैं. द एनिमल फॉर्म द बेरो इन द सैंड एंड दे आर नेक्टोरल इन नेचर. तो इस फाइलम के जितने ही मेंबर हैं सब फाइलम के, वो सब सैंड में अपने बिल बनाएंगे, बेरो फॉर्मेशन करेंगे और रात में एक्टिव होंगे, दिन में वो अपने सैंड के अंदर रेस्ट करते हैं. अब इनका बॉडी देखिए, इनका बॉडी जो है लेटरली कंप्रेस है, मतलब दोनों साइड से जो है दबा हुआ, साइड से लेटरल साइड से दोनों साइड से दबा हुआ है और देखने में ये कुछ कुछ फिश जैसे एनिमल दिखाई देते हैं. देखिए ये एनिमल कुछ आपको इस तरह के एनिमल दिखाई देते हैं. तो दोनों साइड से लेटरल साइड से दोनों साइड से कंप्रेस है और इनका पूरा पूरा जो डिजाइन है वो किसी भी एक छोटी फिश की तरह देखने को मिलता है. ठीक है ना? और इनका जो बॉडी होता है तो उसमें मसल्स के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं. तो हम रफली बोल सकते हैं कि इनका बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है. कैसा है इनका बॉडी? सेगमेंटेड है. अब आप देखिए इसमें यहां पर हेड प्रेजेंट है और इसका जो बॉडी होता है वो जो बेसिकली जो है आप देखेंगे कि छोटा सा यहाँ पे हेड प्रेजेंट है पर वेल डेवलप जो हेड है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा. अब हेड एक्चुअली होता क्या है? हेड जो होता है ऐसा रीजन होता है जहां पर नोटोकॉर्ड का जो है नोटोकॉर्ड जो है वो स्वेल हो जाता है, स्वेलन होकर जो है ब्रेन फॉर्मेशन करता है और ये स्ट्रक्चर बॉडी से थोड़ा सा सेपरेट होता है. यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक सेपरेट आपको हेड नहीं दिख रहा है, बहुत ही अनडेवलप्ड टाइप का आपको हेड देखने को मिल रहा है. तो रफली हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हेड अब्सेंट है. अब हेड अब्सेंट है तो बॉडी को कैसे कितने डिवीजन होंगे बॉडी के? तो स्टूडेंट इसका जो बॉडी है वो रफली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये पूरा का पूरा ट्रंक और पीछे वाला टेल. तो बॉडी को रफली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ट्रंक और टेल. हेड जो होता है ये वो रीजन है जहां आपका ब्रेन प्रेजेंट होगा. हेड अब्सेंट है इसका मतलब ये नहीं कि इनमें माउथ अब्सेंट है, माउथ प्रेजेंट है पर हेड जो होता है वो इनके अंदर क्या होता है? अब्सेंट होता है. अब इसमें पेयर्ड अपेंडेज जो स्विमिंग करने के लिए होते हैं वो अब्सेंट होते हैं. अब इसमें जो है एक मिडिल फिन प्रेजेंट होता है. देखो यहां पर एक मीडियन फिन प्रेजेंट होगा और यहां पर टेल फिन प्रेजेंट होगा. तो मीडियन फिन और टेल फिन जो है प्रेजेंट है जिनकी हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं. अब इनमें एलिमेंट कैनाल कंप्लीट है, यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे एनस है. मतलब एलिमेंट कैनाल इसका कैसा है? कंप्लीट है, पहली बात तो ये. ठीक है. और इसका ये जो ये सीलियरी फीडर है. अब इनका जो माउथ है तो माउथ के पास आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर देखिए माउथ के पास जो है आपको एक कवरिंग दिखाई दे रहा है. तो चारों साइड से जो है एक ओरल हुड, एक तरह का कवरिंग होता है जिससे इसका माउथ कवर्ड होता है. ठीक है. और ओरल हुड के पीछे की साइड में आपको एक गोल गोल जो है एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा माउथ में ही, जिसे हम व्हील ऑर्गन बोलते हैं. ये सीलिया का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और इसे हम सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ मोलर के नाम से जानते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट है. ठीक है. अभी हेल्प क्या कर रहा है? देखो ये एनिमल जो होते हैं
ये रनिंग करके शिकार नहीं करते हैं। अभी एनिमल क्या करेंगे कि वाटर करंट को यहां से ऐसे फीड करेंगे और यहां पे गिल के थ्रू जो है वाटर जो है यहां से बाहर निकलेगा। फेरिंजियल गिल ट्यूब्स यहां पे हैं, तो यहां से सी वाटर बाहर जाएगा और यहां से सी वाटर अंदर जाएगा। तो जो सी वाटर अंदर जा रहा है उसमें जो भी फूड होंगे वो इन सीलिया के अंदर ट्रैप हो जाएंगे और एनिमल इनको फीड कर लेगा, खा लेगा। ठीक है, तो एक तरह से कैसे हो गए, ये सीलियरी फीडर हो गए। ठीक है, तो दिस ऑर्गन हेल्प इन द इंजेक्शन ऑफ फूड बाय प्रोड्यूसिंग सर्क्यूलर करंट इन वाटर। यू बिकम क्लियर, समझ में आ गया ना कि किस तरह से फूड मटेरियल को इंटेक कर रहा है। ओके, तो ये हमारा एनिमल है, रफली देखिए ये हेड है बट अनडेवलप, इसलिए हम रफली बोलते हैं कि नहीं है हेड, इसमें पूरा का पूरा रीजन ट्रंक हो गया, पीछे टेल हो गया। माउथ किससे कवर्ड है, बक्कल सीरीज का वर्ड है। ये फेरिंग्स है, काफी डेवलप फेरिंग्स है, इसके पीछे है गोनेड है और ये एनल ओपनिंग है और यहाँ पे जो ओपनिंग है इसे अपन बोलते हैं आर्टरी पोर, मतलब यहां से वाटर जाता है और फेरिंग्स होता हुआ आर्टरी पोर से बाहर निकल आता है। अब देखिए ये एक आइडल कॉर्डेट्स है, तो सबसे ऊपर देखिए आपको क्या दिखाई देगा, सबसे ऊपर आपको नर्व कॉर्ड दिखाई देगा, ये नर्व कॉर्ड है। उसके नीचे आपको जो है रेडिश कलर का जो है नोटोकॉर्ड दिखाई देगा और उसके नीचे जो है फेरिंजियल गिल सिलिट्स हैं। मतलब एक कॉर्डेट में जो आइडल कैरेक्टर होने चाहिए वो सभी कैरेक्टर इसमें देखने को मिलते हैं। तो थ्री कैरेक्टर कौन कौन से कॉर्डेट के, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल सिलिट्स। तो दीज थ्री कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन दिस एनिमल थ्रू आउट लाइफ। यूरोकॉर्डेटा में क्या देखा था हमने कि केवल लार्वा स्टेज में प्रेजेंट थे और एडल्ट में वो कैरेक्टर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे एनिमल है, दीज आर द सीलियरी फीडर और क्या फीड करते हैं, दीज फीड द डायटम्स एंड माइक्रोब्स। क्लियर, और यहां पर ये क्या है, ये बकल सीरी है, ओरल सीरी है ये। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, बट इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बट इसमें हार्ट अब्सेंट होता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है बट हार्ट नहीं है, तो फिर क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसकी एंटायर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो पल्सेटिंग टाइप की होती हैं, तो उनकी पल्सेटिंग की वजह से ही मूवमेंट होता है। यहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब्सेंट होता है, तो फिर यहां पे गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। यहां पर हमें हीपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अभी हीपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि एक वेन होती है जो इंटेस्टाइन से लीवर तक कनेक्ट होती है, तो एक वेन के थ्रू लीवर और इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट होते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, हीपेटिक पोर्टल वेन के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज द हीपेटिक पोर्टल सिस्टम, इट इज अ यूनिक टाइप ऑफ द सिस्टम डेट मेड बाय द वेन इन दिस सिस्टम, लीवर एंड इंटेस्टाइन कनेक्टेड बाय द सिंगल वेन। इट बिकम क्लियर, अब इसमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, इसमें एक्सक्रीशन जो है प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है, जैसा आपने प्लेटीहेलमिंथीज में भी देखा था कि वहां पे प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट के थ्रू जो है एक्सक्रीशन होता है, सेम एक्सक्रीशन मेथड यहां देखने को मिलेगा। यहां पर जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसमें केवल आपको डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है और छोटी छोटी नर्व्स देखने को मिलेंगी। नोटोकॉर्ड जो होता है थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है, हेड टू टेल प्रेजेंट होता है। और देखो ये पूरा का पूरा एनिमल एक लैंसलेट की तरह दिखाई दे रहा है, भाले की तरह दिख रहा है, जैसा शिवाजी महाराज जी के हाथ में जो भाला रहता था जिससे वो लड़ाई लड़ते थे उसकी तरह ये एनिमल दिख रहा है, इसलिए इसे हम जनरली लैंसलेट के नाम से जानते हैं। मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट में लार्वा में दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल यूनिसेक्सुअल एनिमल है, हमने इसके पहले यूरोकॉर्डेटा में क्या देखा था कि वहां एनिमल बाइसेक्सुअल थे, यहां एनिमल कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। यहां फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है, मतलब कि यहां पर आपको लार्वा फेज देखने को मिलेगी। ठीक है, लार्वा फेज प्रेजेंट, और इस
फाइलम के जितने भी मेंबर होते हैं उन्हें जनरली फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल के नाम से जानते हैं, या इन एनिमल्स को हम आइडल कॉर्डेट एनिमल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें इसके एग्जांपल के बारे में, तो इसमें एक ही पेटेंट एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है ब्रेंकियोस्टोमा। इसे हम एम्फीऑक्सिस के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो कॉमन नेम है वो है लैंसलेट। मतलब ये एनिमल पूरा भाले की तरह दिख रहा है, लैंसलेट लाइक दिख रहा है, इसलिए इसके कॉमन नेम क्या हो गया, लैंसलेट। तो दीज आर द टिपिकल कॉर्डेट एनिमल, ये एक टिपिकल कॉर्डेट एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं है, पर यहाँ पे जो मसल्स हैं वो छोटी छोटी सेप्टा के फॉर्म में अरेंज है, जिन्हें यहाँ पे जो मसल्स है, सॉरी ये मसल्स दिख रही है आपको, जैसे ट्रैक्टर का पहिए के जो है इम्प्रेशन बन जाते हैं जमीन पर, उस तरह से देखो ये डिजाइन दिख रहा है ना आपको। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सेगमेंटेड मसल्स है जिन्हें हम मायोटॉम्स के नाम से जानते हैं या मायोमियर के नाम से जानते हैं। इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया आपको। बहुत ही छोटा सा है, एनसीईआरटी में दो लाइन में इस चैप्टर को खत्म किया हुआ है, फिर भी हमने इतना टाइम इसको समझने में कंज्यूम किया। आई होप डेट आपको समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कीजिए, मैं उनको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और इसके साथ अच्छा अभ्यास करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।